हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा चौधरी एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मनीषा क्राफ्ट आइडियाज़। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी शोइंग अ DIY प्रोजेक्ट इवन विच यू कैन ट्राई इट एट योर होम एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ अमेजिंग आर्ट वर्क ऑफ गणेशा विच आई एम गोइंग टू बी हैंगिंग इट ऑन द वॉल। एंड इसका पर्पज़ क्या था, यूजली इन द स्कूल वी हैव द वॉल्स, क्लीन वॉल्स वेयर आई हैंग द पेंटिंग्स ऑफ द चिल्ड्रन इन अ फ्रेम, प्रॉपर फ्रेम। सो एक बार समर वेकेशंस वगैरह में हम लोगों ने बच्चों को एक सॉर्ट ऑफ एन असाइनमेंट दिया था जिसमें दे वर सपोज टू मेक अ पेंटिंग एंड गेट इट फ्रेम। सो इमेजिन आई गॉट क्वाइट अ नंबर ऑफ पेंटिंग्स टू हैंग इट ऑन टू द वॉल एंड इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर द चिल्ड्रन एज वेल वैन दे सी देयर वर्क बींग डिस्प्लेड ऑन द वॉल। सो एब्सोल्यूटली दिस इज़ वॉट माई इंटेंशन इज़ टू रीफर्बिश द वॉल्स so that I can keep changing the works and there's always a fresh look in the entire school of the paintings which where of course we display the work of the children. Now, so what my intention here was that I recently got a carton of AC. Ab AC ke jo dono palle hote hain wo it's a good size, it's a good scale. So unko kaat ke ek palle ke upar ye Ganesha painting ko banaya gaya. And what you just saw me doing was I was using texture white to create the pure white color of the dhoti and the high contrast of the painting of a Ganesha here. So, उसके कार्टन का एक एक पार्ट को जितना खूबसूरती आई कैन मेक यूज ऑफ द यूज ऑफ दैट थर्मोकॉल आई डिड दैट। तो एक पल्ले के ऊपर उसके वन पार्ट के ऊपर पूरी गणेशा पेंटिंग बनी है, दूसरे के ऊपर गणेशा का एक श्लोक लिखा गया है एंड वॉट एवर रिमेनिंग पार्ट्स आई हैव यूज्ड इट टू क्रिएट एज अ फिलर इन द एंटायर दिस वॉल डेकोरेशन। सो बिट बाय बिट जस्ट स्टिक अराउंड एंड जस्ट सी हाउ आई ट्रांसफॉर्म अ वेस्टेड कार्टन इनटू अ मीनिंगफुल एंड अमेजिंग गणेशा पेंटिंग। सो दिस गणेशा पेंटिंग इफ यू लुक हियर द बॉडी ऑफ द गणेशा एंड द धोती दे आर हाई कॉन्ट्रास्ट। वाइट कलर्स को हम लोग कभी बहुत टाइम अंडर एस्टिमेट करते हैं एंड आई हैव ऑलवेज रीइंस्टेटेड दैट इंश्योर दैट देर इज़ वाइट इन योर पेंटिंग्स, वाइट इन योर बुलेटिन बोर्ड आर्ट वर्कस, बिकॉज वाइट की अपनी एक अलग ही लाइट और यू नो इट बैलेंसेज द आर्ट वर्क। सो द बॉडी के अंदर हम लोगों ने यूज़ किए हैं ऑल द वॉर्म कलर्स। वॉर्म कलर्स आर द कलर्स ऑफ द सन, येलो, ऑरेंज, रेड्स एंड अ बिट ऑफ मरून्स एंड वॉट नॉट। तो उसी को कलर्स को यूज़ करके ये गणेशा का पेंटिंग को बॉडी को स्पेशली क्रिएट किया है। सो दिस इज़ मी ट्राइंग टू डू द आउटलाइनिंग इन द गणेशा पेंटिंग, बिकॉज आउटलाइन करते ही थोड़ा सा जितना भी क्रूकड ब्रश वर्क होता है या स्ट्रोक वर्क होता है वो क्लीन हो जाता है। So it gives it a very, you know, finished look to the painting. So stick around people and see, as a teacher, people ask me, why don't you always keep saying subscribe and like my channel, because people do it so much. I feel little shy telling every time. टीचर्स देते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हैं rather than मांगते हुए, isn't it? The giving is should always be more than the asking part. Well, it's up to you. If you like the video, if you like the content and you feel that it has been useful for you, please don't be shy to like the video and subscribe again. So, this is what I have done. So, dhoti का जो आपका जो lower portion of Ganesha है उसको बिल्कुल blank white ना छोड़ के I have added a bit of turquoise blue color. थोड़ा सा life और add हो जाता है उसके अंदर। और Ganesha painting देखो cartoon को बनाना मुश्किल नहीं है, उसके ऊपर challenging है उसको काटना। तो ये जो दूसरा पल्ला मैंने आपको बताया था उसके ऊपर ये गणेशा का हम लोगों ने श्लोका लिखा, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समाप्रभा। और ये बैक साइड है पूरे कार्टन का, बनने के पीछे से कैसा दिख रहा था आई जस्ट वांटेड टू शो यू। उसमें सपोर्ट्स लगा के और फ्रंट में ये सेपरेट पीसेस को अभी असेंबल करेंगे, विच वॉज लॉट ऑफ फन फॉर मी।
एंड या एज आई वाज टेलिंग यू, उसको काटना सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था. तो ये जितना आसानी से आई एम ड्रॉपिंग इट, इट वॉज एन ईजी एट ऑल. विद अ कटर आई ट्राइड, विद अ सीजर आई ट्राइड, सो विच एवर फेल्ट यू नो थोड़ा कन्वीनियंट लगा काटने के अंदर. बिकॉज कटर का क्या है, कटर के भी दो पीसेज हो जाते हैं और आई एंडेड अप लूजिंग लॉट्स ऑफ ब्लेड्स वाइल कटिंग इट बिकॉज इट्स अ स्टडी, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो कभी सीजर से तो कभी कटर से इसकी बॉडी का आउटलाइन किया. नाउ आई एम सिक्योरिंग द ऑल द डिफरेंट पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू गन सो दैट दे रिमेन वन पीस. तो इसमें थोड़ा बहुत निक्स इन डिटेल वगैरह क्लीन करने के बाद दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग. सो स्टिक अराउंड, देयर इज वन मोर ब्यूटिफुल एलिमेंट. अब ये आया कॉन्ट्रास्ट, कलर ऑफ द सन्स अगेंस्ट द कलर्स ऑफ द नाइट. वार्म कलर्स आर येलो, ऑरेंज एंड रेड्स, एंड कलर्स ऑफ द नाइट ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ऑल द डल शेड्स. तो इन्हीं का कॉन्ट्रास्ट में अगर आप यूज़ करेंगे तो पेंटिंग, देर इज़ नो वे इट्स गोइंग टू नॉट शाइन, इट्स गोइंग टू शाइन एब्सोल्यूटली. सो बहुत ऑस्पिशियस फीलिंग आ जाती है ये केले के पत्ते अगर आप बनाना लीव्स ऐड कर देंगे आर्ट वर्क के अंदर. तो इसको दोनों साइड पे टू टू लीव्स को ऐड किया गया एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग क्या, जितना मैक्सिमम साइज कार्टन से निकल सकता था वी हैव यूज्ड इट. एंड दिस इज़ हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस इंटायर वॉल डेकोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ गणेशा फ्रॉम अ वेस्टेड कार्टन ऑफ एन AC. So in a bit you're gonna see how it is going to look as one complete piece. तो घर में कई सारी ऐसे कार्टन्स हम लोगों के फ्रिज के AC के कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, पड़े रहते हैं, तो डू नॉट थ्रो देम आउट. टुडे वाइल डूइंग दिस आई रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. सच अ हैप्पी फीलिंग वंस द आर्ट वर्क वॉज कम्प्लीट. And so this is before yourself, the Ganesha wall decoration, the entire project is done. If you feel that you want to try it out, please do. And like the project, like the artwork if you like it. Thank you for watching. God bless. Bye bye. Keep watching. Bye bye.